जी एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में हैं जो एक एक साधनारत मुख्यमंत्री हैं, एक साधक हैं। तो एक वो उनके आने के बाद में उत्तर प्रदेश में एक कार्य संस्कृति का बदलाव हुआ है। अभी तक मुख्यमंत्री अभी तक जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं वो खुद के लिए जीते रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के लिए जी रहे हैं, एक नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब मुंबई जाते हैं तो पूर्व के मुख्यमंत्री जो मुंबई में उत्तर प्रदेश भवन तो बनाते हैं लेकिन उसमें ठहरते नहीं हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुंबई जाते हैं तो उसी उत्तर प्रदेश भवन में ठहरते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 75 के 75 जिलों का दौरा एक साल के अंतर्गत करते हैं, सभी जिलों में जाते हैं, वो जाकर वहाँ सर्किट हाउस में ठहरते हैं। और नोएडा जाने का मिथक जो था कि नोएडा कोई मुख्यमंत्री नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौपाल लगाते हैं, चौपाल में जाके लोगों से मिलने का काम करते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश को एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो जन जन के मुख्यमंत्री हैं और जिनकी जो नरेंद्र मोदी जी का जो 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 संकल्पना है, नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश विकास करे, उसको पूरा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। यूपी जैसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले काफ़ी समय में गूगल पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। देश भर की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गूगल पर सबसे अधिक सर्च कर रही है। इस मामले में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ से काफ़ी पीछे हैं। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी, लखनऊ।